सो हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका फोर एक्स फ्रंट बॉक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस के नॉट सीरीज़ के और एक नए स्मार्टफोन की, जिसका नाम है वन प्लस नॉट 3, जो फिलहाल ही लॉन्च हुआ इंडिया में। तो आज मैं बताऊंगा कि ये फ़ोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं, तो सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में। अगर चैनल पर नया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मैं रिव्यूज़ लाता रहता हूँ। तो पहले फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक में देखने मिलता है आपको ग्लास बॉडी और फ्रेम प्लास्टिक मटेरियल में देखने मिलता है। पल्सर बटन की बात करें तो टॉप में आपको माइक आयर ब्लास्टर स्पीकर है, बॉटम में सिम ट्रे जिसमें आपको ड्यूअल सिम का सपोर्ट देखने मिलता है, माइक टाइप सी पोर्ट स्पीकर जिसमें आपको स्टीरियो स्पीकर देखने मिलते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट में वॉल्यूम बटन, राइट में पावर बटन और वन प्लस का फेमस स्लाइडर बटन भी देखने मिल जाता है। तो डिस्प्ले की बात करते हैं तो जिसके अंदर आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने मिल जाता है, जिसके साथ में आपको एमोलेड पैनल के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। और ब्राइटनेस नीट की बात करूँ तो 1450 नीट का ब्राइटनेस पीक है, साथ में HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है। और इसके अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले में फ़ोन अच्छा है, आप आउटडोर में यूज़ करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर की, तो वन प्लस नॉर्ड 3 में दिया गया मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 एसोसिएट का एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर। तो गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें मिलता है 16GB LPDDR5X का रैम का सपोर्ट और स्टोरेज टाइप UFS 3.1, 256GB वेरिएंट मिल जाता है। तो और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ बॉक्स आपको एंड्रॉयड 13 देखने मिलेगा लेटेस्ट, और ऑक्सीजन UOS 13 पर मिल जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो एक अच्छा एक्सपीरियंस निकाल के देता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोन के कैमरे की, जो दो बड़े डायल में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिलते हैं, जिसमें आपको जो मेन कैमरा 50 MP का सोनी IMX890 का सेंसर देखने मिल जाता है, जो रिसेंटली वन प्लस 11R में यूज़ किया गया है, और 8 MP का अल्ट्रावाइट सेंसर, 2 MP का माइक्रो सेंसर। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो 16 MP का एक पंचल कटआउट में सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो बैक में आपको 4K 60fps तक वीडियो शूट कर सकते हो, और फ्रंट में बात करूँ तो 1080 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं, जिसमें आपको EIS का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है। ओवरऑल कैमरे की बात करूँ तो भी अच्छी क्वालिटी का आपको कैमरा देखने मिल जाता है। फाइनली बात करें बैटरी की, जिसमें 5000 mAh की बैटरी है, साथ में 80W का फास्ट चार्जर देखने मिल जाता है, जो 0 to 100% 50 मिनट में करके देता है। और बैटरी बैकअप की बात करूँ तो एक दिन आराम से चल जाएगा। तो ओवरऑल फ़ोन की बात करो तो 8GB और 128GB वेरियंट जो बेस है वो मिल जाता है 34,000 में। तो अगर आपका यूज़ एक गेमिंग है और थोड़ा हैवी टास्क है, नॉर्मल फोटोग्राफी करना चाहते हो, तो एक ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा फ़ोन। तो कैसा लगे फ़ोन और वीडियो करना जरूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।